यही अपील है कि यहाँ पे जा रहे हैं वहाँ पे लोग बढ़ चढ़ कर सामने आए और ब्लड डोनेशन करके जैसा कि हमेशा कैंप लगता है उस पर सक्सेसफुल कैंप बनाए। बहुत सारे वॉलंटियर हैं सोसाइटी के, बहुत सारे यंग लड़के यहाँ पे काम करते हैं। मैं इन सबको बड़ी बधाई देता हूँ कि ये इतने नोबल काम में ये आगे बढ़ चढ़ कर सामने आते हैं। इनको बहुत बहुत हिम्मत इनकी बढ़े और आगे भी ऐसा काम करते रहे। ये कुछ ऐसी चीज़ें ऐसा लगता है दो चार मिसकंसेप्शन है लोगों को। पहले तो ऐसा लगता है कि अगर हम खून रक्तदान करते हैं तो अपने शरीर में कमजोरी आ जाएगी, या कोई किसी को ऐसा लगता है कि बहुत दर्दनाक प्रोसीजर है ये खून देना, और खून देने के बाद ऐसा आदमी एक दो दिन काम नहीं कर सकता या कमजोरी आ जाएगी, अपने शरीर में खून कम हो जाएगा। यही आपको बताना चाहता हूँ डॉक्टर होने के नाते कि ऐसा कुछ भी नहीं है। खून देना एक बहुत ही हेल्दी चीज़ है, इसमें हमारे शरीर को बहुत सारे जो है लाभ भी हैं। कोई नुकसान खून देने का नहीं है, बल्कि इसके लाभ हैं हमें। जितना खून लिया जाता है उससे कोई शारीरिक कमजोरी नहीं आती। आप अपना खून दिन रक्तदान करने के बाद उस दिन भी नॉर्मल काम वहाँ पे कर सकते हैं। जो पहले के प्रिकॉशंस लेने वाले हैं वो हर ब्लड डोनेशन से पहले लिए जाते हैं। उस प्रिकॉशन के बाद अगर आप रक्तदान करते हैं तो ना आपने कोई कमजोरी आएगी, ना आपके कोई दिन का लॉस होगा, बल्कि आपके शरीर को और लाभ भी पहुंचेगा, और जो आपको दुआ मिलेगी लोगों की जिनको लगेगा वो अलग से। हमारी एक रैली जाती है हर साल की तरह, इस बार भी पिछली बार हमारी यहाँ से टीम एक गई थी, वो वहाँ पे जाके हमने 70 यूनिट ब्लड जो था वो वहाँ से कलेक्ट किया था बनी से। इस बार भी उसी तरह से हमारी टीम जेके ब्लड डोनर एंड वेलफेयर सोसाइटी बनी के लिए आज यहाँ से फ्लैग अप हुआ है रैली का, जो कि वर्दी डीसी साहब हमारे राकेश मनहाज जी ने करा है, और हमारी पूरी टीम बहुत ही उत्साहित है, बहुत पॉजिटिव नोट के साथ हम लोग बनी के लिए यहाँ से रवाना हो रहे हैं, ताकि वहाँ पर जाके जो एक मानवता का संदेश है वो हम लोग और फैला सकें, और जो इन द सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी हम लोग जो काम करते हैं उसको हम लोग और ज़्यादा बढ़ चढ़ के आगे ले जाएं, और कठुआ में जो भी कोई इमरजेंसी में किसी को ब्लड की रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर पाएं। धन्यवाद जावीन जवाहर ने आपको सभी विस्तार पूर्वक बता दिया है। ये हमारा ब्लड डोनेशन कैंप के साथ साथ ब्लड अवेयरनेस कैंपेन है, जो कि कठुआ से बनी तक जाएगा। रास्ते में बसोली शीतल नगर रुककर हम ब्लड की अवेयरनेस ड्राइव चलाएंगे, लोगों को मोटिवेट करेंगे। ब्लड देने से कोई भी नुकसान नहीं होता, ब्लड देने से हमारे शरीर में ही कई तरह की तंदुरुस्ती पैदा होती है। तो इस तरीके से हमने ये हमारा 48वां ब्लड डोनेशन कैंप है जो कि बनी इलाके में लगाया जा रहा है। तो इससे पहले हमारा बनी में पहला कैंप था जो हमने हिस्टोरिकल कैंप लगाया था, इसमें बनी के इलाके में इससे पहले कोई भी कैंप नहीं लगा था। तो हमारी टीम ने वहाँ पे कैंप लगा के और एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश की कि वहाँ पे एक ब्लड डोनेशन ब्लड बैंक एस्टेब्लिशमेंट होना चाहिए। तो एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारी बात सुनी और उस जगह पे एक ब्लड स्टोरेज जो बैंक है वहाँ पे बनाया। तो हम एडमिनिस्ट्रेशन की तहे दिल से शुक्राना करते हैं, क्योंकि समय समय पे उन्होंने हमारी सपोर्ट की। तो आज आप मीडिया बंधुओं के हम सहयोग से बनी के इलाके के लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आओ इस ब्लड डोनेशन कैंप में अपना रक्तदान करके कीमती जानों को बचाने में कामयाब।